सिविल लाइन पुलिस लाइन में गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध व पूर्णतः समर्पित है। इस संदेश को आप लोग रैली के माध्यम से अपने आचरण व अपने आप को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर लोगों के मध्य पहुंचाएं। आप लोगों को देखकर अन्य महिलाएं यह महसूस करें कि उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं और कोई उन्हें दबा नहीं सकता है। आप लोग संवेदनशील होकर उनके सशक्तिकरण हेतु कार्य करें। आप लोग एक रोल मॉडल हैं। उन बातों को पुनः रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ आप लोग अपने आचरण से और एज अ रोल मॉडल अपने आप को प्रस्तुत करिए। जो वीकेस्ट महिला है वो भी जब आपको देखे तो एक इंस्पिरेशन दे और उसको भी एक सशक्तिकरण का आभास हो, वो भी महसूस करे कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई दबा सकता है, कुचल सकता है, बल्कि कानूनी रूप से उसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, विशेषकर पुलिस, उनमें भी सेंसिटाइजेशन है, लोगों को बताया गया है और लोग बाग उनको एम्पावर करने के लिए जो है कटिबद्ध हैं और कमिटेड हैं इस काम को करने के लिए। इस रैली के माध्यम से अपने आचरण और अपने को एक रोल मॉडल बना के प्रस्तुत करके इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी ने कहा कि इस महिला सशक्तिकरण रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी महिला के साथ कोई अपराध या अन्याय हो रहा है तो महिला खुद आकर बिना किसी संकोच के अपनी परेशानी बता सके। उन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाएं समाज व पारिवारिक कारणों से घरेलू हिंसा को झेलती रहती हैं तथा ऐसे मामले पुलिस के समक्ष कम प्रस्तुत हो पाते हैं, जिससे इन मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए इस रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, जिससे वे उनके खिलाफ होने वाले अन्याय के प्रति अपनी बात को रख सके। उन्होंने महिला आरक्षियों को पारिवारिक मामलों को दंड के बजाय काउंसलिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करने का सुझाव दिया। कहा कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने तथा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शक्ति की उपासना के पर्व चैत्र नवरात्रि में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं सशक्तिकरण हेतु महिला पुलिस कर्मियों द्वारा दुपहिया वाहनों से महिला सशक्तिकरण रैली गुरुवार को पुलिस लाइन से कौशाम्बी होते हुए जनपद फतेहपुर के लिए निकाली गयी। रैली को ACP आस्था जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ACP लाइन जूनसी चिराग जैन ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी व उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने हेतु 24 विभागों को सम्मिलित किया गया है। ये रैली 29 मार्च अष्टमी चैत्र नवरात्रि को संपन्न होगी। ये महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली निकाली गई है। ये आज रैली का दूसरा चरण है। पहला चरण मिर्जापुर से चल के हमारे यहाँ इलाहाबाद में आया था। दूसरे चरण में हमारे यहाँ से प्रयागराज से कौशाम्बी होते हुए फतेहपुर जाएगी। इस रैली में 16 हमारी स्कूटीज हैं जिस पर महिला हमारी कर्मचारी हैं, महिला कर्मी हैं, और साथ में उनके एम्बुलेंसेज और प्रोटेक्शन के लिए सारा फोर्स जा रहा है। और ये यहाँ पर जाने के बाद पहले कार्यक्रम हमारा पूरा मुक्ति थाने में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जहाँ पर महिला, ये सारी महिलाएँ चौपाल के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में बताएंगी, उनको अवेयरनेस पैदा करेंगी। उसके बाद थाना कोखराज में जाएंगे, यहाँ पर वहाँ पर भी एक छोटा सा आयोजन जनपद कौशाम्बी के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद ये लोग खागा होते हुए फतेहपुर जाएंगे, जहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद कल पुनः इसी रास्ते से ये महिलाएं लोग वापस लौट के आएंगे।